यहाँ पर शायद ये किसी प्रतियोगिता की तैयारी, यहाँ बच्चे कुछ कर कुछ बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। मैम आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले। हमारा नाम नाजिश है जी। और ये किस चीज की तैयारी अभी चल रही है? ये ड्रैगन बोट नेशनल चैंपियनशिप की तैयारी चल रही है जो हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर से 12 तक चलेगी जी। और जो यहाँ प्रैक्टिस सेशन आयोजित होता है तो प्रैक्टिस सेशन कितने बजे से कितने बजे तक होता है? सुबह का टाइम है यहाँ प्रैक्टिस का 7 बजे का, ये 9:30 बजे तक चलता है और शाम का टाइम है 5 बजे से 6:30 बजे तक। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है ये होती है, मतलब नौसेना के लिए है या फिर जो तो प्राइवेट स्टूडेंट के लिए भी? ये गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट नहीं है, ये प्राइवेट एसोसिएशन क्लब है, एंटी कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन का क्लब है ये, जिसमें हाँ सेनाएं भी प्रैक्टिस करती है लेकिन एसोसिएशन के अंदर प्रैक्टिस करती है वो गवर्नमेंट ही। तो अभी जो है तो एक प्राइवेट तौर पर जो है ये बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं उस प्रतियोगिता के लिए, अपना पे एंड प्ले गेम करते हैं, यहाँ आते हैं अपना खेलते हैं और अपने खुद के पैसे से रहते खाते हैं। अच्छा, कौन कौन सी प्रैक्टिस यहाँ पर कराई जाती हैं, किन किन चीज़ों की? यहाँ पे ड्रैगन बोट भी होता है, कैनो पोलो सालालम भी होता है, कैनो स्पिन भी होता है। थोड़ा सा इसको समझाएं ताकि हमारे दर्शक भी समझ सकें। ड्रैगन बोट तो हम देख चुके हैं और आप सभी देख ही रहे हैं कि ये ड्रैगन बोट है, इसमें 10 बंदे जो बैठे हुए हैं, 10 प्लेयर जो बैठे हुए हैं, वो 10+2 उसको 10 सीटर भी कहते हैं, उसको 12 बंदे चलाते हैं बोट, जिसमें 10 पैडलिंग करते हैं और 2-1 ड्रम करता है, जो ड्रम की बीट पे ये बोट चलती है और 1 कंट्रोल करता है। तो 9 से 20 बोट भी होती है जिसमें 20 बंदे बैठ के चलाते हैं और 1 ड्रम और 1 पीछे से स्टीयरिंग करता है बोट, तो उसको 20 सीटर कहते हैं। कैनो स्पिन की ये बोट आप देख सकते हैं, ये रखी हुई है, तो ये सारी K1 बोट है जिसको एक सिंगल प्लेयर चलाता है और इसमें टीम इवेंट्स भी होते हैं, K2 और K4 भी होते हैं, C1, C2, C4, ये हमारे कैनो स्प्रिंट के इवेंट्स होते हैं। तो इसमें हम इवेंट चलाते हैं 1000 मीटर, 500 मीटर, 200 मीटर और ये ड्रैगन बोट का होता है 2 किलोमीटर, 500 मीटर। अरे छोटे छोटे कुछ बच्चों को हम देख रहे हैं प्रैक्टिस करते ही, यहाँ कितनी मिनिमम एज है एंट्री के लिए? जो हम यहाँ बच्चों को लेते हैं 10 साल से, जो जैसे स्विमिंग नहीं आती है बच्चों को तो हम यहाँ स्विमिंग भी सिखाते हैं और हमारे गेम का जो एज है वो सही 12 साल से होता है, तो 1-2 साल में बच्चा स्विमिंग करके जो होता है हम 10-12 साल से शुरू कर देते हैं। और फिजिकल ट्रेनिंग भी कराई जाती है? फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं, इसके बाद ही हम पहले फिजिकल फिट करते हैं, स्विमिंग सिखाते हैं, इसके बाद ही हम उसको गेम के लिए तैयार। कितने यहाँ के स्टूडेंट्स जो हैं, जो यहाँ के प्लेयर्स हैं, तो किन बड़ी प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं? यहाँ पे कम से कम 40-45 प्लेयर यहाँ के जो नेशनल तो बहुत सारे हैं 100 के ऊपर, लेकिन जो इंटरनेशनल हैं वो 45-50 के अंदर हैं। और ओलंपिक्स या पैरा ओलंपिक्स में? पैरा ओलंपिक में भी यहाँ से अभी लास्ट ये अभी 2 से 4 सितंबर जो हुआ था टोक्यो में, इसमें प्राची यादव ने यहाँ पे एंटी के कायाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन में प्रैक्टिस करके पैरा ओलंपिक क्वालीफाई की और जिन्होंने यहाँ पे पैरालंपिक को जीता। आपकी ट्रेनिंग कहाँ से हुई? हमारी ट्रेनिंग हमने यहीं से शुरू किया है, हमने 2010 में किया था, यहीं से मेडल लेते थे और आज हम यहीं पर। लगभग कितने ट्रेनर हैं इस इंस्टीट्यूट में अभी? यहाँ पे 60 प्लेयर हैं अभी हमारे पास जो अच्छा गेम करते हैं अभी, बाकी बिगनर्स हैं जो बिगनर्स आते रहते हैं अभी, हमने एडमिशन लेना जैसे भी शुरू किया क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से तो बच्चे घर चले गए थे तो आ नहीं पाए हैं, अभी बच्चे धीरे धीरे आ रहे हैं तो हमारी और यहाँ की ट्रेनिंग थी बच्चे यहाँ की ट्रेनिंग के बाद जो तो आपने कौन सी प्रतियोगिताएं वगैरह कॉम्पिटिशन वगैरह? मैंने यहाँ पे 9 नेशनल खेले हैं और 1 इंटरनेशनल, 1 इंडियन। कुछ जानकारी हमने यहाँ पर पाने की कोशिश की, आगे चल करके हम सर से भी बात करेंगे और